नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 के पहले मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस तैयार हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बारे में कि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स किस प्लेइंग 11 उनके साथ उतर सकती है, साथ ही दोस्तों कौन कौन से बैकअप प्लेयर इस टीम के पास रहने वाले हैं। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और आप भी चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं और आईपीएल का आपको भी बेसब्री से इंतजार है तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। तो दोस्तों, बात करें इस मुकाबले से पहले सबसे बड़ी बात की तो वह है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी हमें काफ़ी दिनों के बाद मैदान में खेलते हुए नज़र आने वाले हैं, तो दोस्तों इनकी वापसी काफ़ी रोमांचक रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, इस टीम में कई खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनमें मौजूद है शेन वॉटसन, डीजे ब्रावो, सुरेश रैना, यानी कि काफ़ी मजबूत टीम नज़र आ रही है। गेंदबाजी में इस टीम के पास काफ़ी ज़्यादा स्पिनर मौजूद है, जिसमें हरभजन सिंह, कर्ण शर्मा, इमरान ताहिर, पीयूष चावला जैसे खतरनाक स्पिनर मौजूद है। तो काफ़ी मजबूत टीम नज़र आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इस टीम की प्लेइंग 11 हो सकती है उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें ओपनर की, तो यहाँ पर शेन वॉटसन और फेफ डु प्लेसिस उतरने वाले हैं। दोनों बेहतरीन अनुभवी बल्लेबाज हैं और टीम के लिए कई बार अच्छी शुरुआत भी दे चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं हम नंबर 3 की, तो यहाँ पर उतरेंगे सुरेश रैना, 4 पर अंबाती रायडू, 5 पर एमएस धोनी, 6 पर केदार जाधव और 7 पर उतरने वाले हैं डीजे ब्रावो। यानी कि एक लंबी बैटिंग लाइनअप मौजूद है इस टीम के पास, जिसमें बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। बात करें इस टीम के लिए तो अंबाती रायडू बेहतरीन पारियां खेल सकते हैं नंबर 4 पर आकर, वहीं पर मिस्टर आईपीएल चिन्नाथला भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी सबसे अहम रोल निभा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, रविंद्र जडेजा, सैम करन, सरदोल ठाकुर और दीपक चहर इन गेंदबाजी लाइनअप के साथ उतर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। दीपक चहर और सरदोल ठाकुर बेहतरीन गेंदबाजी कर सकते हैं इस टीम के लिए। बैकअप प्लेयर की बात करें तो इमरान ताहिर, पीयूष चावला, लुंगी निगेडी और हरभजन सिंह मौजूद रहने वाले हैं, जो कि काफ़ी शानदार स्पिनर हैं और शानदार तेज गेंदबाज भी हैं। तो दोस्तों, इस टीम के पास काफ़ी शानदार लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है स्पिनरों की, जो कि जिसमें एक से बढ़कर एक स्पिनर मौजूद है। वहीं पर तेज गेंदबाजी में भी बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बैकअप प्लेयर और प्लेइंग 11 से काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है इस समय। अब उम्मीद है दोस्तों 29 मार्च कि ये टीम किस तरह का प्रदर्शन करेगी मुंबई इंडियंस के सामने, क्योंकि दोस्तों पिछले साल मुंबई के सामने उतना दम नहीं दिखा पाई थी चेन्नई सुपर किंग्स और 4 मुकाबलों में से 4 ही मुकाबले हारे थे। लेकिन इस बार कुछ अलग करने के लिए उतरेगी, लेकिन दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबला जीतने के लिए मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को रोकना होगा, जिनकी बल्लेबाजी काफ़ी मजबूत है। और साथ ही दोस्तों, गेंदबाजी में भी मुंबई इंडियंस के पास काफ़ी खतरनाक गेंदबाज मौजूद है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको चेन्नई सुपर किंग्स ये मुकाबला जीत पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।